हेलो गाइज, क्या आप भी यूपी में दरोगा बनना चाहते हो और यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हो, बट कंफ्यूज हो गए हो कि डॉक्यूमेंट्स कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है फॉर्म भरने से पहले चाहिए और उन डॉक्यूमेंट्स की क्या डेट्स होनी चाहिए? इसी टाइप के अनगिनत सवाल अगर आपको खाए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पैंडमीडियो नहीं चाहता किसी भी बच्चे का इस वजह से जो है सिलेक्शन रुक जाए इस भर्ती में कि वो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं भर पाया। एक छोटी सी गलती की वजह से आपका जो सुनहरा सपना है यूपी में दरोगा बनने का वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉर्म भरने तक, और क्या क्या आपको इसमें साथ में हम ये भी बताएंगे कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आप एलिजिबल हो। आपके छोटे छोटे जो डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न हैं, जिस टाइप के मैसेजेस आप हमें करते रहते हो, उन सारे के सारे डाउट्स जो आपने मैसेज करके क्वेश्चंस पूछे, वो प्लस साथ में और एक्स्ट्रा जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज सबसे पहले हम कि क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस फॉर्म भरने के लिए, क्या आप एलिजिबल हो भी या नहीं, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम राष्ट्रीयता की। तो राष्ट्रीयता मतलब कि नेशनैलिटी, कौन कौन लोग जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो है भारत का नागरिक होना इसके लिए जो है अनिवार्य हो जाता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। भारत के नागरिक नहीं हैं तो दो जगह आप अगर उनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पहला तो ये कि आप तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत से स्थायी निवास के अभिप्राय से पहले जनवरी 1962 के पूर्व भारत आए हों, मतलब कि वो यहाँ पर स्थाई नेशनल परमानेंट नेशनैलिटी के लिए यहाँ पर आए हों और तिब्बत से आए हों भारत में स्पेशली रहने के लिए, या फिर वो भारत मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत के स्थाई निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या कुछ अफ्रीकी देश जो यहाँ पर लिखे गए हैं उनसे जो है माइग्रेट करके आया हो, ठीक है, माइग्रेट कर गया हो वहाँ से, ठीक है, तो वो लोग भर सकते हैं। अब बात करें अगर हम सेकंड पॉइंट की, जो है शैक्षिक अर्हता, यानी कि आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी। तो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी इसमें? तो अगर हम बात करें उपनिरीक्षक जो है आपका नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर के लिए, तो इसमें आप कोई भी किसी भी अगर आप ग्रेजुएशन चाहे वो 3 साल की हो चाहे वो 4 साल की हो, मतलब मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल हो पूरी तरह से। बट अगर आप फायरमैन के लिए, मतलब कि सेकेंड ऑफिसर अग्निशमन पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको जो है साइंस यानी कि विज्ञान में जो है ग्रेजुएशन होना अनिवार्य हो जाता है, ठीक। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ की। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप जो हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जो है, इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आपने लेट सपोज एग्ज़ाम दिया, जैसे कि आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो है आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपके पास लास्ट डेट बचती है 30 अप्रैल की, बिल्कुल। तो 30 अप्रैल से पहले, अगर आप 30 अप्रैल 2021 से पहले अगर आप फॉर्म भरने के लिए जाते हैं तो आपके पास जो है उससे पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, रिज़ल्ट आना जाना चाहिए। भले ही आपकी डिग्री जो है प्रोविजनल मिले चाहे परमानेंट मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। मतलब आप अपीयर्ड हो चाहे अपीयरिंग हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन मैं बताऊंगा, अगर आपका एग्ज़ाम जो है 1 मई को है और आपका, या एग्ज़ाम आपका फरवरी में हो गया बट आपका रिज़ल्ट नहीं आया 30 अप्रैल तक, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होगे, तो उस आप लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं अधिमानी अभ्यर्था, मतलब कि आपके जो एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनको आप वहाँ पर क्या क्या लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमें 3 जो है चीज़ें लगाने के लिए बताया है। आप एक तो अगर आपके पास DOEIC या फिर आपका जो है NELIT, तो इनमें से किसी का भी जो है आपका ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, अगर ओ लेवल का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई आपकी ये। दूसरी चीज़ क्या बनती है, अगर आपने जो है किसी भी प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 साल मिनिमम 2 साल
न्यूनतम 2 साल का है। अगर 2 साल से ज़्यादा, 2 वर्ष से 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा अगर आपने नौकरी करी है तो आप उसका जो है सर्टिफिकेट लगा सकते हो। आपको जो है इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और तीसरी चीज़ होती है आपकी एनसीसी। तो एनसीसी का बी लेवल का सर्टिफिकेट अगर आप लगा देते हो, बी लेवल का सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हो तो जो है आपकी ये एडिशनल क्वालिफिकेशंस में माना जाएगा, यानी कि आपका जो है अधिमानी अर्हता माना जाएगा। और इसका यूज़ कहाँ पे होगा? इसका यूज़ कहीं पर भी एज सच नहीं होने वाला है। इसका यूज़ तब होगा जब आपका और आपके जो दोस्त हैं या आपके साथ जो भी पेपर देने गए हैं जितने लोग भी, उनमें से किसी भी दो लोगों के, दो व्यक्तियों के जो हैं अगर नंबर सेम बैठ जाते हैं, नंबर अगर सेम बैठ जाते हैं तो टाई हो जाता है। उस टाई को तोड़ने के लिए और किसकी रैंक ज़्यादा होगी उस चीज़ को चेक करने के लिए जो है ये तीनों तीनों चीज़ें जो हैं आपसे पूछी गई हैं। तो पहला क्या हमें डोयक लेवल मतलब ओ लेवल का सर्टिफिकेट, देन आपका जो है प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा अगर काम किया है उसका सर्टिफिकेट, और एनसीसी बी सर्टिफिकेट। आपके पास अगर इससे इसमें तीनों के तीनों सर्टिफिकेट भी हैं तो भी मान्य सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट होगा। इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा अगर आपके पास 3 सर्टिफिकेट हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट है इनमें से, तो आप दोनों के दोनों बराबर ही माने जाओगे वहाँ पर भी, ठीक है। तो जब टाई होता है तो इनमें से जिसके पास अगर सर्टिफिकेट होगा, कोई भी एक सर्टिफिकेट है, तो उसको जो है पहले वरीयता दी जाएगी, मतलब उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। देन अगर इसके बावजूद भी टाई हो जाता है, ये आपने सबमिट करे उसके बावजूद भी टाई हो जाता है, तब कैसे टाई आपका तोड़ा जाएगा और किसको ज़्यादा रैंक अच्छी मिलेगी वो कैसे जज करा जाएगा, उसके लिए क्या करा गया है, इन्होंने एक प्रावधान रखा है कि अगर इन सब से भी जो है हम टाई नहीं तोड़ पाते हैं तो होगा क्या, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको जो है वरीयता दी जाएगी। अगर उसके बावजूद भी अगर उम्र भी बराबर पाई जाती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, मतलब बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है कि इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए कि वो सेम दिन पैदा हुए हों, उन्होंने ये सर्टिफिकेट भी जमा करे हों और उसके बाद जो है नंबर भी उनके बराबर आ जाएँ, अगर ऐसा होता है तो होगा क्या, फिर भी उसके लिए भी उन्होंने एक टाई ब्रेकर रखा है। उसमें क्या होगा, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट होगी उसमें जो आपका इंग्लिश लेटर में नाम लिखा है उसमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से, मतलब कि वर्णक्रम जो है आपकी वर्णमाला के आधार पर जो आप जिसका नाम पहले आएगा उस व्यक्ति को जो है पहले वरीयता दी जाएगी, रैंक उसकी ज़्यादा अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू दूसरे व्यक्ति को, ठीक। तो यहाँ पर बात कर ली हमने जो है आपका अगर टाई होता है तब। अब बात करते हैं हम आयु की, तो क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हो या नहीं भर सकते, इसके लिए जो है आयु की अर्हता क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिएगा, अभ्यर्थी ने को जो है अगर वो 1 जुलाई, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2000 सन 2000 के बीच में है, बस सिंपल सा इतना समझ लो, इसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2000 के बीच में पड़ रही है तो जो है आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर ये जनरल कैटेगरी के लिए तो है, ये तो चीज़ अगर इसमें है पड़ रही है तो फिर आपकी कैटेगरी कुछ भी हो आप भर सकते हो इस फॉर्म को। पर अगर आपकी एज जो है इसमें नहीं पड़ती, इसमें नहीं पड़ती तो लोअर लिमिट के लिए तो कोई भी आपको छूट नहीं दी गई, मतलब कि आप 1 जुलाई 2000 के बाद पैदा होते तो आप किसी भी कैटेगरी के हो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। पर अगर आप 1 जुलाई 1993 से पहले पैदा होते हो तो आपको छूट दी जाती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के जो हो कैंडिडेट हो तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है, 5 वर्ष की छूट मिलती है। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हो तो भी आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है। पर अगर आप जो है एक्स सर्विस मैन हो तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलती है। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा एक्स सर्विस मैन में 3 वर्ष की छूट दे तो गई है पर उसका मतलब क्या है। अगर आप दो एक्स सर्विस मैन भी हो और OBC या SC ST की कैटेगरी में ही फॉल करते हो तो आपको 2 रिजर्वेशन नहीं मिलते हैं, पहले बात ये जान लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ जिस रिजर्वेशन से आपको ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा वो रिजर्वेशन आपका लागू होगा, ठीक। अब यहाँ पर जो एज है वो किस तरह से निकाली जाएगी, एक्स सर्विस मैन के लिए साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, अगर मैं पढ़ के आपको बताना चाहूँ तो, भूतपूर्व जो सैनिक की आयु है सेना में की गई सेवा
को उसकी वास्तविक आयु जो है, उसकी जो अभी एक्चुअल एज है, उससे अगर हम घटा दें, तो घटाने पर जो निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक जो है वो नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपकी एज जो है, अभी वास्तविक आयु जो है 35 वर्ष होती है, और आपने जो है वहाँ पर सेना में, अगर मैं कहूँ, बात करूँ, 5 साल काम किया है, तो आपकी एज हो जाती है 30 साल की, और आप एक्स सर्विसमैन हो क्योंकि, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप 1 जुलाई 1993 को पैदा हुए हो, तो आपकी जो मैक्सिमम एज बनती है वो 28 वर्ष बनती है, 28 ईयर्स। और अगर आप 2000 को पैदा हुए, तो आपकी जो मिनिमम एज बनती है वो 21 ईयर्स बनती है। अगर आप 28 ईयर से बाहर हो जाते हो, तो उन्होंने कहा लिखा है कि 28 ईयर से 3 साल तक और आप अलाउ करे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपकी 30 एक्चुअली में एज है। तो 30, 28 से 3 साल जो है, 3 साल के अंदर अंदर पड़ता है, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पर साफ साफ ये लिखने की कोशिश करी है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और किसी के लिए ये चीज़ नहीं लागू होगी। और सबके लिए क्या होगा, यहाँ पर जो है ये जनरल के लिए 21 और 28 है, ओबीसी के लिए 5 वर्ष की छूट के बाद जो है आपका 33 वर्ष हो जाता है, और SC ST के लिए जो है अगेन 33 वर्ष हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी आयु अर्हता हो जाती है। अब बात करें अगर हम आपके, एक दो चीज़ें और दी हैं हमें नोटिफिकेशन में, चरित्र की और जो है इसी टाइप से। तो चरित्र पे जो है आपके लिए, उसमें सिर्फ ऐसी पॉइंट्स लिखे गए हैं, अगर आपके ऊपर कोई केस या कुछ इस टाइप से चीज़ चल रही है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर नैतिक केस, कोई नैतिक कारणों से आप किसी सजा को काट के हटे हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ठीक है, पर आई थिंक कि ऐसे जो केस होंगे वो बहुत रेयर होंगे, और इस टाइप का केस जो है वो समझ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियर क्लियर करके यहाँ पर नोटिफिकेशन में पूरी सारी चीज़ें लिखी हैं। बाकी वैवाहिक परिस्थिति के ऊपर लिखा है कि अगर आपकी एक से ज़्यादा विवाह हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अनटिल एंड अनलेस वहाँ से आपको जो है आज्ञा मिल जाए। आपको उसके लिए जो है एक रीज़न आइडेंटिफाई जस्टिफाई करवाना पड़ेगा, और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी अगर आपने ऐसा करा है, तो चांसेस यही हैं कि आपका फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई अर्हता की, या जो है आपकी एलिजिबिलिटी की। अब इन अर्हताओं से संबंधित आपको कुछ दस्तावेज चाहिएंगे, जिनको हम बोलते हैं प्रमाण पत्र या डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और ये अप्लाई करने से पहले, मतलब अगर आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, निवेदन करने जा रहे हो फॉर्म का, तो आपको उससे पहले जो है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो हम बात करेंगे शैक्षिक अर्हता संबंधी दस्तावेज। तो शैक्षिक अर्हता संबंधी दस्तावेज में आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा, इसमें जो है आपको 10th की मार्कशीट, अगर जो लोग पहले, मतलब कि 2012 से पहले पहले अगर कोई 10th में पास हुआ होगा, तो उससे पहले क्या होता था, उससे दो पहले दो सर्टिफिकेट मिलते थे आपको। मतलब कि आपको जो है एक तो दो सॉरी 2010 से पहले आपको एक तो मार्कशीट मिलती थी, एक सर्टिफिकेट मिलता था, बट अब क्या वो एक में कंबाइन होकर आने लगा है। तो अगर आप अभी वाले हों, मतलब कि 2010 के बाद, 2010 या 11 के बाद से अगर आपने 10th करी है, तब आपको एक ही अगर आपके पास, तो एक ही चलेगा, नहीं तो आपको साथ में सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, पासिंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। सिमिलरली आपको 12th के लिए भी इसी तरह से चाहिए। आपको जो है, जो ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन की आपको सारे ईयर्स की, सारे के सारे टोटल जितने भी आपके ईयर्स हैं, अगर आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन है तो 3 साल की मार्कशीट, अगर आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन है तो 4 साल की आपको जो है मार्कशीट चाहिए होंगी फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि आपको वहाँ पे उस सब की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बट आपको डिग्री के लिए कहा गया है, डिग्री आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, बट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, तो आपको डिग्री की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे वो प्रोविजनल डिग्री हो, चाहे वो आपसे आपकी जो एक्चुअल डिग्री है वो मांग लें, बट आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप अभी पेपर की तैयारी कर रहे हो, बहुत बार होता क्या है कि आपको जो है डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से मिलने में टाइम लग जाता है, तो आप अभी से ही अप्लाई कर दीजिएगा अपनी डिग्री के लिए। ठीक है, तो डिग्री आपको टाइम पे मिल जाएगी, तो इससे ये होगा कि आपका जो पढ़ाई का टाइम है अभी, क्योंकि आप पढ़ाई करने में व्यस्त हो जाओगे, और उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा अपनी डिग्री लाने का अपने कॉलेज से या अपनी यूनिवर्सिटी से, तो इसको भी करवा लीजिएगा जल्दी ही।
ठीक है, बट इसकी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फॉर्म भरते हुए, ठीक है। अब ये तो हुई शैक्षिक अर्हता संबंधी दस्तावेज, अगर हम बात करें आपका अधिमानी अर्हता संबंधित, तो अधिमानी अर्हता संबंधित मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाया कि क्या अधिमानी अर्हता में जो है आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिएंगे। तो जो आप भर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि हाँ मैं ओ लेवल सर्टिफिकेट है मेरे पास, तो आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप बात करते हो प्रादेशिक सेना में आपने न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा प्रदान करी है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC का भी प्रमाण पत्र धारण करते हो, तो आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो है आपका यहाँ पर जो है टोटल अधिमानी अर्हता जो है उसके लिए ये पॉइंट्स होंगे। तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो है आप लोगों को किस किस को चाहिएगा ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप कोई भी रिजर्वेशन नहीं ले रहे हो और आप जनरल कैटेगरी में हो, तो चाहे आप यूपी के हों चाहे आप कहीं के भी हों, आपको एज अ उसमें कोई रिजर्वेशन ट्रीट नहीं करा जाएगा, चाहे वो यूपी का जनरल हो चाहे वो पूरे इंडिया में कहीं का भी जनरल कैंडिडेट हो, तो वो एक ही तरीके से आंका जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेट जो है आपका रिजर्वेशन वो यहाँ पर प्रावधान नहीं किया गया है। तो आपको मूल निवास बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप कोई रिजर्वेशन नहीं ले रहे हो। तो अगर आप रिजर्वेशन कोई भी, चाहे वो छोटे से छोटा किसी भी चीज़ का रिजर्वेशन हो, चाहे वो भूतपूर्व सैनिक वाला रिजर्वेशन हो, चाहे आपका वो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स यानी कि आप फ्रीडम फाइटर्स स्वतंत्र सेनानियों के जो है डिपेंडेंट हो, उनका सर्टिफिकेट हो, तब भी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा ही चाहिएगा। तो मूल निवास प्रमाण पत्र जो है जनरल कैटेगरी वालों को तो नहीं चाहिए मूल निवास, तो मूल निवास जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं चाहिए, बट OBC हो, SC हो, ST हो, एक्स सर्विसमैन हो, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, या फिर जो है EWS यानी कि आपका जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कैंडिडेट हो, सब लोगों को जो है मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा। और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको बता दूं कि बस डेट का कोई भी झंझट नहीं है, आपने जब भी बनवाया हो मूल निवास प्रमाण पत्र, बस वो ऑनलाइन जो है आपका अपडेटेड होना चाहिए। तो मतलब ऑनलाइन जो है आपका जो bor.upc.nic.in की वेबसाइट है उस पे जब चेक करते हैं हम आपके सर्टिफिकेट को, तो वो वहाँ पे जो है प्रॉपरली चढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं चढ़ा हुआ है तो आप जो है अपने नज़दीकी जो भी आपका जन सुविधा केंद्र है उस पर जाकर उसको चढ़वा सकते हैं ऑनलाइन, वो चढ़वा लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि वो चेक होता है, ठीक है। तो बस डेट का कोई इशू नहीं है, आप कभी भी, बस आपका जो होना चाहिए वो मूल निवास प्रमाण पत्र, वो आपका जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से पहले पहले कभी भी बनवा लो, जिस दिन आप अप्लाई करने वाले हो उससे पहले आपके पास होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। तो ये बात हुई हमारी मूल निवास प्रमाण पत्र की, ठीक है। अब मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आप नहीं लगाते हो तो होगा क्या नुकसान आपको, अगर आपने किसी भी लंबवत हो या चाहे वो क्षैतिज आरक्षण हो उसमें अगर आपने जो है मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाया, तो उसके अभाव में होगा क्या, अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र में अंकित जो निवास स्थान है, साफ साफ लिखा है उन्होंने कि जाति प्रमाण पत्र में अगर आपका निवास स्थान जो अंकित होता है उससे कोई मतलब नहीं है, उसे निवास प्रमाण पत्र के रूप में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आपको जो है उसको बनवाना जरूरी है, अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर हमने बात करी मूल निवास प्रमाण पत्र की, अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाते हो तो होगा क्या, आपका जो रिजर्वेशन है आप रिजर्वेशन में बिल्कुल नहीं आओगे, आपका रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको जो है एक जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर आप उसमें जो है अंक पाते हो जनरल से ऊपर, तो आपका नाम आएगा लिस्ट में, नहीं तो वो नाम नहीं आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपने सब कुछ सही कर लिया और मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना भूल जाते हो या नहीं लगाते हो या उसमें कुछ त्रुटियां है आपकी, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र में पता होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र में जो है कोशिश कीजिएगा कि वो सेम ही रहे, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम OBC सर्टिफिकेट यानी कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र की, ठीक।
तो यहाँ तक मूल निवास तक आपको किसी को डाउट नहीं होगा। तो अब बात करेंगे हम अन्य पिछड़े वर्ग के जो है जाति प्रमाण पत्र की। तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र जो है उसके लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है डेट। क्यों मेंशन करी गई है डेट? क्योंकि इसमें जो है आपका तभी बनता है अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जब आपकी जो आय है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। आपकी आपकी फैमिली की जो आय है और संपत्ति है वो उतनी नहीं होनी चाहिए जो आपके अधिनियम में दी गई है, और 8 लाख से कम जो है आपकी आय होनी चाहिए प्रतिवर्ष। ठीक है, तो ये 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैसे वैलिड होता है, पर इन्होंने यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है साफ साफ कि 1 अप्रैल 2020 के बाद बना हुआ कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट आपका चलेगा अगर वो 1 अप्रैल 2020 से आपका 30 अप्रैल 2021 के बीच में बना है। अगर आपने इन दोनों तारीखों के बीच में अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपका सर्टिफिकेट एकदम चलने वाला है, आपको कुछ और बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो ओबीसी सर्टिफिकेट्स में ये ही एक डाउट था आप लोगों को कि क्या आपको किस डेट से किस डेट के बीच में बनवाना है। तो जिन लोगों का अभी नहीं बनाया है और अगर किसी ने पहले बनवाया था, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनने बंद हो गए थे, तो आपको बनवाना है और वो उसमें बनने में टाइम लगता है, कभी कभी हफ्ता भी लग जाता है, 10 दिन भी लग जाते हैं, और आपका 1 तारीख से जो है डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट होने वाली है। तो इसको आज ही जैसे ही आप जब से जल्दी जो है उसको अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप या तो तहसील में चले जाइए, जो आपके गांव के आसपास जो भी जिला होगा उसमें तहसील होगी, उसमें तहसील में चले जाइए, वहां पे बन जाएगा। राजस्व विभाग में भी बन जाता है, तो राजस्व विभाग में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो तहसील या राजस्व विभाग में बन जाता है। पर सबसे आसान तरीका जो मैं बताऊंगा आपका बनवाने का, वो है आपका जो सबसे आपके घर के जस्ट पास ही आपका बन जाएगा ये सर्टिफिकेट, जो आपका जनता सुविधा केंद्र होता है, जन सुविधा केंद्र जिसको बोलते हैं हम, जन सुविधा केंद्र, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो फैसिलिटी मिलती है। जन सुविधा केंद्र में जो है वो आपको बता भी देंगे किस तरह से आपको भरना है, और वो आपकी हेल्प भी कर देंगे भरवाने में, जितना भी ऑनलाइन काम होगा वो करवा देंगे, और उसके बाद जो होगा आपको सिर्फ साइन कराने होंगे। कभी कभी कुछ जनता सुविधा केंद्र ये भी जो है आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं कि वो ई साइन जो होता है वो ई साइन करवा देते हैं, तो फिर वो आपका सारा काम जनता सुविधा केंद्र से ही हो जाएगा, और वो काम बहुत जल्दी हो जाता है, वो 5 दिन से 1 हफ्ते के बीच में आपका काम हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जन सुविधा केंद्र में जाइएगा, चक्कर से बचना चाहते हो तो तहसील और राजस्व विभाग में थोड़ा सा आपका क्योंकि आपको चीज़ों का पता नहीं होगा और गाइड करने वाला कोई नहीं होगा तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो यहाँ तक हमने बात कर ली सब चीज़ की, आपका यहाँ तक हम ओबीसी सर्टिफिकेट की बात कर चुके हैं। अब बात करें हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए जो प्रमाण पत्र है उसमें हमें क्या करना है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने कभी भी सर्टिफिकेट बनवाया हो एससी और एसटी का सर्टिफिकेट कभी भी बनवाया हो एनी टाइम, तो ये सर्टिफिकेट आपका लागू रहेगा। जस्ट आपको बस 30 अप्रैल से पहले होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको वो अप्लाई करने से पहले चाहिएगा। आपको मांगा जा सकता है, उसका जो क्रमांक संख्या है वो आपको फिल करने के लिए पूछी जा सकती है। तो आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो 30 अप्रैल से पहले पहले होना चाहिए, अगर आप वो भी तब जब आप 30 अप्रैल को लास्ट दिन अपना फॉर्म भर के सबमिट करना चाह रहे हो, तो नहीं तो आपको जिस दिन आप सबमिट कर रहे हो उससे पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका क्रमांक नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो क्रमांक नंबर आपसे मांगेंगे। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए, इसके लिए कोई डेट का बाउंडेशन नहीं है। आपने 1 साल पहले 2 साल पहले 3 साल पहले कभी भी बनवाया हो, ठीक है। बाकी अगर आप एक चीज़ बोलना भूल गया मैं, छोटा सा पॉइंट है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, जो लोग ओबीसी में हैं और वो जो क्रीमी लेयर में आते हैं, तो उनको कुछ भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ना तो सामान मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए, ना ही उनको जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, क्योंकि क्रीमी लेयर में अगर आप आ गए हो तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है, आपको एक सामान्य कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो
ऐसे केस में आपको जो है बेमतलब में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट नॉर्मली जो है उसमें कोई डॉक्यूमेंट मत बनवाइए और डॉक्यूमेंट मत लगाइए वहाँ पर, ठीक है। बट अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, यानी 8 लाख से कम आपकी आय है तो आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा। और कैसे बनवाना होता है ओबीसी सर्टिफिकेट, उसके लिए जो है एक छोटे सा पॉइंट और, आपको इनकम जो 3 साल की आपकी इनकम है लगातार 3 साल से, जो पिछले 3 सालों से, उसका इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। और आपको जो है आपके जो फॉर्म होंगे उसको आपका जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होगा उसके थ्रू जो है वो सत्यापित होगा, एंड फिर वो तहसील में जाने के बाद तहसीलदार उसका साइन करेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट की। और एससी सर्टिफिकेट के लिए कोई, एससी एससी सर्टिफिकेट के लिए कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपने जो सर्टिफिकेट बनवाया वो चलेगा। बट आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रारूप एक चलेगा, जो प्रारूप एक दिया गया है अंत में आपके एडवर्टीजमेंट, जो आपका नोटिफिकेशन आया है, एडवर्टीजमेंट आया है यूपीएसआई भर्ती का, उसके जो एंड में दिए गए हैं आपको प्रारूप, प्रारूप एक, प्रारूप दो, प्रारूप तीन, प्रारूप चार, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं प्रारूप में भरना पड़ेगा उस फॉर्म को। अगर आप उस प्रारूप के अलावा किसी भी टाइप का सर्टिफिकेट है उस प्रारूप को आप देख लीजिएगा ध्यान से। इस प्रारूप का जो वो है आपका डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक रहेगा, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा। सारे प्रारूप डलवा दिए आपको, वहाँ से डाउनलोड करने हैं तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है उस पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ सारे प्रारूप हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो उन प्रारूपों को देख लेना एक बार कि आपका जो सर्टिफिकेट बना रखा है पुराना, कहीं वो प्रारूप से अलग तो नहीं। अगर वो प्रारूप से अलग है तो आपको सारी की सारी चीज़ें दोबारा से बनवानी पड़ेंगी, ठीक है। चाहे वो एससी सर्टिफिकेट हो, चाहे एसटी सर्टिफिकेट हो, चाहे ओबीसी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो, ठीक। तो प्रारूप एक में होना चाहिए, और अगर आपका प्रारूप एक में नहीं होता है तो साफ साफ लिखा गया है आपका कि आपको जो है आपका जो सर्टिफिकेट है उसको निरस्त कर दिया जाएगा और आपको जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा रिजर्वेशन में, तो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा फिर। तो इस चीज़ से बचें, ये छोटी गलतियाँ होती हैं, इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। फिर डिसीज़न जो होगा वो सारा का सारा डिसीज़न जो है बोर्ड पे, भर्ती बोर्ड जो होगा यूपी का उस पर चला जाएगा, तो इस चीज़ से बचिएगा। तो अब बात करते हैं हम आपका जो है स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र। तो ये जो प्रमाण पत्र है ये प्रारूप तीन में ही होना चाहिए। प्रारूप एक में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, प्रारूप दो में आपका एससी एसटी सर्टिफिकेट, और प्रारूप तीन जो है आपका उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र जो है वो होगा आपका, ठीक है। तो बाद में अगर हम इससे बात अगली बात करें तो भूतपूर्व सैनिक के लिए जो होगा, अगर वो अभी भी काम कर रहे हैं वहाँ पर, भूतपूर्व सैनिक जो अभी भी काम कर रहे हैं मतलब डिस्चार्ज नहीं हुए हैं, अगर डिस्चार्ज हो गए हैं तो डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, और अगर वो सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र या डिस्चार्ज प्रमाण पत्र बोलते हैं उसको, अगर वो यूनिट के कमांडेंट द्वारा निर्गत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं तो वो भी लेकर आ सकते हैं। अगर वो कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं, तो एनओसी अगर उनको मिल जाता है तो भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो भरने से पहले बट आपको ये चाहिएगा, एक तो भूतपूर्व अगर सैनिक है तो यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र होता है या सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र होता है, उनमें से कुछ भी है आपके पास तो वो आप लेकर आ जाइए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप आयु में छूट चाहने वाले राज्य में कार्यरत कर्मचारी हैं, मतलब कि राज्य सेवा, राजाधीन सेवा जो होती हैं उनमें अगर आप कार्यरत कोई भी कर्मचारी हैं तो आपको 3 साल का, आपको जो है 3 साल का जो है आपको छूट मिल जाएगी उसमें। तो वो अगर आप छूट चाहते हो तो प्रारूप चार का जो फॉर्म है उसको देख लीजिएगा, प्रारूप चार के फॉर्म को भरिएगा, आपको आयु में जो है छूट मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो तो आपके लाभार्थ और उसके लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको जो है प्रारूप पाँच जो है उसमें जो सर्टिफिकेट दिया है वो लगभग लगभग सेम सर्टिफिकेट है जो प्रारूप एक का सर्टिफिकेट है वो ओबीसी के लिए है, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, और बनता भी बिल्कुल समान तरीके से है क्योंकि इनमें जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ते हैं तभी आपका वो सर्टिफिकेट बनता है। तो इनका प्रोसेस एकदम सेम है, आप जो है जन सुविधा केंद्र, राजस्व विभाग या तहसील में जाकर जो है अपने इन डॉक्यूमेंट्स को बनवा सकते हो ईजिली। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर लाभार्थी हैं जिनको EWS कैटेगरी बोल दी जाती है तो इनके लिए भी, तो मैं कहूँगा EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भी जो वो होगा 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच में ये जो है आपको फॉर्म भरना है EWS कैटेगरी के जितने भी परीक्षार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो EWS कैटेगरी में आते हैं, नहीं तो उनको EWS कैटेगरी का फ़ायदा नहीं मिलेगा।
और EWS कैटेगरी के साथ साथ आपको लगाना पड़ेगा मूल निवास प्रमाण पत्र। तो मूल निवास प्रमाण पत्र इसके साथ लगाना है आपको। तो मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी हो जाता है। अगर आप मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं लगाते हो तो आपका जो है EWS कैटेगरी का जो है आपका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एक तो आपको OBC के साथ, OBC सर्टिफिकेट के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। SC ST जितने भी रिजर्वेशन हैं उन सब के लिए समझ जाइए कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना ही लगाना है अगर आप रिजर्वेशन लगाना लेना चाहते हो उनमें से, चाहे वो क्षैतिज रिजर्वेशन हो या फिर वो है आपका नॉर्मल रिजर्वेशन हो। ठीक है, तो इनमें से आपको जो है मूल निवास प्रमाण पत्र सब केसेस में लगाना है। और मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई डेट की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कोई भी बना हो, बस वो बना प्रारूप जो है उसका रेस्पेक्टिव प्रारूप उसमें बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली आर्थिक रूप से कमज़ोरों के लिए। और इसके लिए मैं बता ही चुका आपको आर्थिक रूप के से कमज़ोरों के लिए डेट क्या है, 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच का। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक छोटी सी पॉइंट की कि आपको जो ये सर्टिफिकेट बनवाने हैं इनकी जो इशूइंग अथॉरिटी है, मतलब कि इनको इशू करने वाले अधिकारी किस किस कौन कौन अधिकारियों के जो इशूड सर्टिफिकेट हैं वो मान्य होंगे, तो देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें OBC सर्टिफिकेट की, तो OBC सर्टिफिकेट जो है आपका जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार कोई भी इसको जो है इशू कर सकते हैं। अगर हम बात करें SC ST कैटेगरी की, तो जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इन सब में से कोई भी SC ST के सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी का भी इशूड आपका सर्टिफिकेट है तो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। अगर आपने OBC सर्टिफिकेट अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी से, वैसे तो वो इशू नहीं कर सकता, उसको भी पता होता है कि वो इशू नहीं कर सकता, बट आपने अगर पहले करवा लिया है उससे तो आपका वो मान्य नहीं होगा। जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार से, तो इनमें से अगर कोई इशू करता है आपके सर्टिफिकेट को, जाति प्रमाण पत्र को, तो ही वो वैलिड रहेगा, नहीं तो वो वैलिड नहीं रहने वाला। इसी तरह से EWS सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, तो जिला अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट और तहसीलदार जो आपके OBC को इशू करने वाले, OBC सर्टिफिकेट को इशू करने वाले लोग थे, वही जो है आपके EWS सर्टिफिकेट को भी इशू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की। अब आपको पता लग गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको जो है चाहिए थे। ठीक है, अब सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पर देख लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बस सिर्फ और सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बच जाती है अब हमारे पास, एक तो फोटो सिग्नेचर और एक बचता है हमारे पास, एक तो फोटो और एक दूसरा जो है सिग्नेचर। तो फोटो के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं आपको, उन फोटो की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो फोटो रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं, अगर उसमें हम देखें क्या क्या गाइडलाइन दी गई हैं आपको, तो फोटो उसी तरह से खिंचवा लीजिएगा, क्योंकि अगर वो फोटो उस तरह से नहीं होगा तो वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो फोटो में क्या क्या हमें जो है निर्देश दिए गए हैं, मतलब स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होंगे फोटो के लिए। तो अभ्यर्थी का फोटो जो है निम्न मानकों के रूप में होना चाहिए। पहले बात करें तो हम चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। तो अत्यधिक चमक ना हो, छाया ना हो, तो प्रोफेशनल जो फोटोग्राफर होता है उसी से खिंचवाएं, उनके पास पूरी लाइटनिंग होती है। देन दूसरी बात करें तो नामांकन के लिए जो फोटो है वो 6 महीने के भीतर ही जो है फोटो वही मान्य होगा, वो लिया गया हो। ठीक है, कंधे जो है एकदम साफ साफ दिखने चाहिए आपके, और सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की जो पृष्ठभूमि है, मतलब जो बैकग्राउंड है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो तो बैकग्राउंड पीछे वाइट बैकग्राउंड है, तो इस टाइप के बैकग्राउंड पे हो या फिर ग्रे कलर के बैकग्राउंड पे, लाइट ग्रे कलर के बैकग्राउंड पे आपका फोटो खिंचाना चाहिए। ठुड्डी से लेकर शिखर तक, यानी कि आपके जो माथा है और उससे जो चिन्ह है आपकी, तो वहाँ तक का जो आपका हिस्सा है वो एकदम साफ दिखना चाहिए, और वो 70% जो है आच्छादित करता हो, मतलब कि वो 70% को कवर करता हो, जो टोटल फोटो होगा आपका उसमें जो 70% हिस्सा होगा वो यहाँ आपके माथे से लेकर, माथे के ऊपर से लेकर आपकी जो ठुड्डी है वहाँ तक जो है वो पूरा का पूरा कवर करना चाहिए। बाकी जो है आपके कंधे एकदम साफ साफ दिखने चाहिए उस फोटो में। तटस्थ अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मतलब कि मुख जो है वो बंद हो और आंखें जो है वो पूरी तरह से खुली हो।
चेहरे के जो दोनों किनारे के कान हैं वो जो हैं आपके साफ साफ दिखने चाहिए। अगर हम आठवें पॉइंट की बात करें तो कैमरे पर एकदम सीधी नज़र होनी चाहिए। और नाइन्थ पॉइंट की बात करें तो अगर आप चश्मा पहनते हैं, अगर आप चश्मा नहीं पहनते तो चश्मा लगा के फ़ोटो खिंचाने के लिए आप बिल्कुल मत करिएगा, वहाँ पर ऐसा कुछ चीज़ नहीं होगी। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आँखें आपकी साफ़ दिखनी चाहिए, और आपके जो चश्मे पर रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होगा तो वो जानते हैं कि रिफ्लेक्शन को किस तरह से हटाया जाता है, तो रिफ्लेक्शन नहीं पड़ना चाहिए आपके चश्मे पर। ठीक है, फोटो में टोपी, मफलर और आदि इस टाइप की कोई भी चीज़ जो है आप जो है धारण नहीं करना, वो धारण नहीं करी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर और साथ में जो है आप जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाले हो तो उसके लिए साफ साफ लिखा है कि अगर आप वो स्कैन करके अपलोड नहीं करते हो तो वो जो है आपका जो सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम वो स्वीकार नहीं करेगा उसको। बट आप एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, वैसे तो अगर आप फॉर्म भरवाते हो किसी जो है कैफ़े पे जाके भरते हो तो वहाँ स्कैनर मिल जाता है, बट अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो ऑनलाइन आपके पास काफ़ी सारी ऐप्स आती हैं फ़ोन में जो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर देती हैं, तो उन किसी भी ऐप से आप स्कैन करके अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी की सारी बातें जो हमें इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए आपका एग्ज़ाम बढ़ने से पहले। आपके पास सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से आप एक भी चीज़ अगर मिस करते हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, फॉर्म अटक जाएगा, और फॉर्म भरने की आप इसी तरह से आप उन जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करने में लगे रहोगे और आपके फॉर्म की डेट निकल सकती है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को जो है लाइटली नहीं लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट के प्रारूप हैं उनको ध्यान से देखिएगा, आपका जो प्रारूप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, जो डेट्स हैं उनको ध्यान से देखिए, जो इशूइंग अथॉरिटी है वो आपको पता होने चाहिए कि उसी ने ही इशू कराया या नहीं कराया, वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो board.up.nic.in मतलब कि आपका जो ऑनलाइन है किसी भी तरह से अगर किसी और भी जगह पे है तो वो ऑनलाइन पूरी तरह से अपलोड होने चाहिए, मतलब कि अपडेटेड होने चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपकी देखी जा सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको रखनी है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रखना है, आपको जो है मूल निवास प्रमाण पत्र अगर आप कोई भी रिजर्वेशन ले रहे हो तो लेना है, और जो है अन्य दस्तावेजों में आ जाता है आपका फ़ोटो सिग्नेचर। फ़ोटो के लिए सारी गाइडलाइंस मैं बता चुका हूँ, सिग्नेचर जो है आपका सिग्नेचर नॉर्मल पेन एक वाइट बोर्ड पे मतलब एक वाइट पेपर पे आप सिग्नेचर कर लीजिएगा, और उसका जो है फ़ोटो खींच के स्कैन करा के वो उसका छोटा सा पार्ट जो है आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आई थिंक यहाँ तक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। तो ये थी टोटल आपकी सारी के सारे जितने क्वेश्चंस थे उनको कवर करने की कोशिश करी। उसके अलावा जितनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको फॉर्म भरने से पहले वो हमने कवर करने की कोशिश करी। तो कमेंट करिएगा ज़रूर कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट जो है हम देखेंगे और उस कमेंट का पूरा आपका निस्तारण करने की हम कोशिश करेंगे, आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो मैं ऐसे ही अगर अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पेंडुलम ईडीयू को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस जो अच्छी वीडियोस अगर आपको लगती हैं हमारी वीडियो तो उनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके हमें बताते रहें, फीडबैक देते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।